हेलो एवरीवन, आज हमारा है यूनिट 7 का टर्न और उसका नेम है द फुलिश फिश। फुलिश फिश मतलब, फुलिश का मतलब है सिली, मतलब जो बेवकूफ होते हैं उसको हम फुलिश कहते हैं। तो इसमें आ जाओ, लिसन का सेक्शन है। लिसन में क्या दिया है, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे स्पीकर दिए हैं। अब स्पीकर का मतलब क्या, जो बोलता है उनको स्पीकर कहते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो आई एम अ स्पीकर। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 स्पीकर दिए, इनमें क्या करना है, लिसन टू द टेक्स्ट एंड मार्क द मूड और टोन ऑफ ईच स्पीकर। मतलब जो मैं बोलूँगी आपके टेक्स्ट बुक के बैक साइड पे पेज नंबर 115 पे इसका थोड़ा सा कुछ दिया है, स्पीकर 1, 2, 3, 4 क्या कह रहे हैं वो दिया है। तो मैं रीड करती हूँ, देखो स्पीकर 1 क्या कह रहा है, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू, वाई आर यू ट्रबलिंग मी। मतलब ये गुस्से से बात कर रहा है, रूडली बात कर रहा है। तो ये स्पीकर कैसा है, पोलाइट है या रूड है, तो मैंने रूड में टिक किया है। वो कह रहा है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझे परेशान मत करो। तो स्पीकर 2 देखो, मे आई प्लीज कम इन, कैन यू प्लीज हेल्प मी विथ माई वर्क, थैंक यू। वो पूछ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप मुझे मेरे काम में मदद कर सकते हो। तो ये रूड है या पोलाइट है, तो वो प्यार से बात कर रहा है, दिस इज पोलाइट। स्पीकर 3, व्हाई डिड यू ब्रेक द वास, गेट आउट ऑफ द रूम, यू विल बी पनिश्ड। वो बोल रहा है कि तुमने मेरा वास तोड़ दिया है, तुम क्लास से मतलब रूम से बाहर चले जाओ, आपको मैं पनिशमेंट दूंगा। तो ये गुस्से से बात कर रहा है, मीन्स एंग्री, ना कि हैप्पी। स्पीकर 4, I came first in the class test. I am very happy. वो बोल रहा है मैं क्लास टेस्ट में फर्स्ट आई हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो उसका मूड कैसा है, हैप्पी है ना कि सैड। तो ये सारे मूड और टोन हमको क्लैरिफाई करने थे। अब आ जाते हम अपनी स्टोरी की तरफ। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं, एक है फिश, देन क्रोकोडाइल एंड फिशरमैन। ये 3 कैरेक्टर्स की एक छोटी सी स्टोरी है। इसमें क्या है देखो, डू यू लिसन टू अदर पीपल वेन दे से समथिंग टू यू, Why is it important to listen to others? आप दूसरों की बातें सुनते हो, दूसरे लोगों की, अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनकी बातें सुनो। तो ये इसी के बारे में एक स्टोरी है। तो देखो स्टोरी में क्या है, In a huge pond there lived many fish. They were proud and never listened to anyone. In this pond there also lived a kind crocodile. This is a crocodile. ये बहुत kind, मतलब अच्छा crocodile है, दिल का बहुत अच्छा है। And these all are fish. एक बहुत बड़ा pond होता है, huge मतलब बड़ा, और वहाँ पे बहुत सारी fish रहती है। They were proud. Proud मतलब उनको लगता है कि हम ही important है, हमारे जैसा कोई नहीं हो सकता है। और वो किसी की बात सुनते नहीं थे। और उस pond में एक crocodile भी रहता था, जो बहुत अच्छा था। अब देखो, वन आफ्टरनून द क्रोकोडाइल वॉज रेस्टिंग बिसाइड अ स्टोन नियर द पॉन्ड व्हेन टू फिशरमैन स्टॉप देयर टू ड्रिंक वाटर। अब वहाँ पे एक आफ्टरनून क्या होता है, क्रोकोडाइल आराम करते रहता है बिसाइड, मतलब स्टोन के साइड में, पॉन्ड के पास। तो वहाँ पे टू फिशरमैन आते हैं एंड स्टॉप देयर टू ड्रिंक वाटर, वहाँ पे रुक के वो पानी पीते हैं। द फिशरमैन नोटिस that the pond has many fish, look this pond is full of fish, let us come here tomorrow with our fishing net. तो जैसे वो पानी पीता है एक fisherman, तो उसको बहुत सारी fishes दिखाई देती है। तो वो क्या कहता है कि देखो इस pond में बहुत सारे fish हैं, तो हम कल यहाँ पे आते हैं हमारा fishing net लेके और इनको पकड़ के ले जाते हैं। ये तो one fisherman कहता है। तो दूसरा क्या कहता है, I agree, हाँ बराबर है, हम आते हैं। The crocodile heard this. When the fisherman left, he went straight to the fish. जैसे वो सुनता है crocodile, और जैसे सुनने के बाद fisherman वहाँ से चले जाते हैं, वो सीधा fish के पास जाता है। You must leave this pond before dawn. उनको क्या कहता है, क्योंकि उसने सब सुन लिया है। वो कहता है कि जैसे dawn होगा, dawn का मतलब है जब सूरज उगता है तो उसकी जो पहली किरण पड़ती है, जो पहला सनलाइट होता है, डेलाइट, उसको हम डॉन कहते हैं। उसके बाद मॉर्निंग आती है। तो बोलता है कि जैसे सुबह होगी, एकदम सुबह, आप यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो ये पॉन्ड। टू फिशरमैन आर गोइंग टू कम टू दिस पॉन्ड विद देयर नेट।
यहाँ पे दो फिशरमैन आने वाले हैं अपने नेट के साथ और आप सबको पकड़ के ले जाएंगे, ऐसे क्रोकोडाइल उन फिश को समझाता है। अब इसने तो बोल दिया, उसके बाद वो सुनते हैं कि नहीं। देखो लुक हियर, दीज आर टू फिशरमैन, ये टू फिशरमैन है एंड दिस इज स्टोन। उस स्टोन के साइड में ही वॉज रेस्टिंग, क्रोकोडाइल आराम कर रहा है। तो जैसे ये पानी पीता है उसको यहाँ पे बहुत सारे फिशेज दिखते हैं और इसको कहता है कि कल हम नेट लेके आते हैं, क्योंकि इस टाइम वो नेट लेके नहीं आए थे, इसलिए उनको नेक्स्ट टाइम नेट लेके आने वाले थे। अब देखो फिशेज क्या कहती है, बट द फिश जस्ट लॉफ्ड एंड सेड देयर आर मेनी फिशरमैन हू हैव ट्राइड टू कैच अस बट दे कुड नॉट, डू नॉट वरी अबाउट अस मिस्टर क्रोकोडाइल दे सेड। वो कहते हैं, बहुत हंसने लग जाते हैं और कहते हैं ऐसे तो बहुत सारे फिशरमैन आके चले गए और बहुत ट्राई किया उन्होंने पर वो हमको पकड़ नहीं पाए। डू नॉट वरी, हमारे बारे में सोचो मत, टेंशन मत लो, वरी करने की जरूरत नहीं है। और वो हंसने लगे। अब देखो ये इतना समझा रहा है और ये सब हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। अब क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द फिशरमैन केम एंड थ्रू देयर नेट इन द पॉन्ड, वेरी सून ऑल द फिश वेयर कॉट, इफ ओनली वी हैड लिसन टू मिस्टर क्रोकोडाइल वी वेयर सो फूलिश सेड द फिश। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फिशरमैन आते हैं नेट के साथ और नेट वो नीचे पॉन्ड में डालते हैं और सारे फिशेस को जितनी मिलती है पकड़ के ले जाते हैं। अब फिश क्या सोचती है कि अगर हमने मिस्टर क्रोकोडाइल की बात सुन लेती, हम लोग सुन लेते तो हम बच जाते, वी वेयर सो फुलिश, हम सो फुलिश है मीन्स हम सिली है, हम बेवकूफ है, अगर हम सुनते तो हम बच जाते। देखो वो उनको पकड़ के लेकर चला गया। तो सब अभी अफसोस करने लगे कि हमने क्रोकोडाइल की बात क्यों नहीं सुनी। इसलिए अगर कोई हमको कुछ समझाता है, कुछ कहता है, तो एक बार उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा, एकदम किसी की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइज में आते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक चूज करना है। फर्स्ट है द फिश वेयर वेरी डैश, द फिश कैसी थी, प्राउड थी ना कि एंग्री। सेकेंड द डैश वॉन्टेड टू कैच द फिश, तो फिश को कौन पकड़ता है, आंसर इज फिशरमैन, तो ये है फिशरमैन। देन थर्ड दे वेर डैश फिशरमैन, कितने आए थे, टू नॉट थ्री। फोर इन द एंड द फिश वेर डैश, ऑप्शन कॉट एंड फाउंड है तो लास्ट में फिश कैसे कॉट हो गए, पकड़े गए। फाइव द फिश रियलाइज दैट दे वेर डैश, तो फिश को लास्ट में क्या रियलाइज हुआ कि वो फूलिश है, बेवकूफ है। अब यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है बी में, फर्स्ट वाला देखो, व्हाट हैपेंड टू द फिश इन द एंड, लास्ट में क्या होता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था फिश के साथ, दे वेर कॉट, वो पकड़े गए थे। तो ये मैं आपको नोट में दे दूंगी सब। सेकेंड कुड द एंड एंड बी डिफरेंट इफ द फिश हैड लिसन टू मिस्टर क्रोकोडाइल, अगर वो क्रोकोडाइल की बात सुन लेते तो एंड में कुछ अलग होता, एंड हमारा यस, वो बच जाती। What lesson did fish learn? Fish ने क्या लेसन, उनको क्या सीख मिली कि हमको किसी की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। Third, if you win a competition, you will very happy. Will you also feel that you were the only good player? Is it good to feel like that? अगर आप कोई कॉम्पिटिशन विन कर रहे हो तो आप बहुत खुश फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि सिर्फ आप ही एक अच्छे प्लेयर हो इसलिए आप जीत गए हो? ऐसा सोचना राइट है कि रॉन्ग है? नहीं, हम ही अकेले अच्छे प्लेयर नहीं हो सकते, हमारे से भी अच्छे प्लेयर होते हैं, पर उस टाइम पे हमने अच्छा किया होता है इसलिए हम जीत जाते, सभी गुड प्लेयर्स होते हैं, इसलिए कभी हमारे बारे में ही ऐसे प्राउड फील नहीं करना चाहिए कि हम खुद इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आ जाओ वर्ड में, रीड द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी, यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स है, अपोजिट मतलब जैसे मैंने नाइट बोला तो नाइट का अपोजिट आएगा डे, रात का अपोजिट दिन, ऐसे अपोजिट वर्ड है, उसके विरुद्ध वाले वर्ड हमको ढूंढना है। यहाँ पे देखो डस्क का अपोजिट है डॉन, डस्क मतलब जब नाइट आती है, जो शाम का समय होता है, दैट इज डस्क, उसके बाद रात आती है,
अंधेरा होने के पहले का जो टाइम होता है दैट इज डस्क। तो डस्क के अपोज में क्या आएगा? डॉन, क्योंकि मॉर्निंग के पहले का जो टाइम होता है वो डॉन होता है। तो देखो एक और दिया है, गुड का अपोजिट बैड, अच्छे का अपोजिट बुरा, ट्रू, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, सही का अपोजिट गलत, ऐसा। अब देखो यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स का दिया है, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर देन फिल द क्रॉसवर्ड विद द अपोजिट्स। यहाँ पे अक्रॉस डाउन दिया है, अक्रॉस मतलब ऐसे साइड में, वो ऐसे लिखना है हमको, और डाउन मतलब नीचे, डाउन में लिखना है, जैसे आप हार्ड वर्ड्स लिखते हो ना वैसे स्पेलिंग्स लिखनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट में दिया है स्मार्ट, तो स्मार्ट का अपोजिट क्या होता है? फुलिश। स्मार्ट मतलब एकदम होशियार, फुलिश मतलब बेवकूफ। तो इसको अक्रॉस मतलब ऐसे लिखना है, तो ये स्पेल मैंने फिल किया है। अब यहाँ पे फर्स्ट में डाउन के सेक्शन में आओ, फर्स्ट में दिया है एम्प्टी, एम्प्टी मतलब भरा हुआ, सॉरी एम्प्टी मतलब खाली, एंड फुल, फुल मतलब भरा हुआ, तो इसका अपोजिट ये है। तो यहाँ पे मैंने इसको फिल कर दिया, देखो एफ यू डबल एल। अब अक्रॉस का थर्ड फार, फार मतलब दूर, उसका अपोजिट आएगा नियर मतलब पास, तो वो मैंने यहाँ फिल किया है क्योंकि ये थ्री नंबर है और ये ऐसा अक्रॉस भरना है। इसमें सेकेंड आएगा स्मॉल मतलब छोटा, और ह्यूज मतलब बड़ा, एच यू जी ई, यहाँ पे ऐसे डाउन में। इसके बाद फिर से यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स है, इसमें से हमको अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन है? डू यू नो द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड इन द वर्ल्ड, फाइंड देम इन द वर्ड ग्रिड। ये वर्ड ग्रिड कहते हैं इसको, ये पजल टाइप है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है द एलिफेंट इज बिग, तो जो बोल्ड वर्ड है ये बिग, बिग का अपोजिट क्या आएगा? बिग मतलब बड़ा, बिग का अपोजिट बड़े का छोटा, छोटे को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल। तो ये देखो एस एम ए डबल एल ए स्मॉल, ये मिल गया। अब सेकेंड, रवि इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, गुड का अपोजिट बैड, तो बैड मैंने, मुझे यहाँ पे मिला है बी ए डी बैड। थर्ड, शी रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट भागती है, फास्ट मतलब बहुत जल्दी जल्दी भागना, फास्ट के अपोजिट स्लो, धीरे धीरे, दिस इज एस एल ओ डब्ल्यू स्लो। तो पिलो इज वेरी सॉफ्ट, पिलो सॉफ्ट है एकदम, तो एकदम नरम नरम है, तो उसके अपोजिट आएगा कड़क मतलब हार्ड, एच आर डी हार्ड। तो ये हमारा आज का एक्सरसाइज है, आज की स्टोरी है हमारी द फूलिश फिश, ये आपको अच्छे सुनना है, इसमें आपको क्लियर ही हो जाए, क्लियर हो गया होगा कि कितने स्टोरीज में कैरेक्टर्स है, थ्री कैरेक्टर्स है, तो क्रोकोडाइल उनको समझाने जाता है, वो उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना है। कोई भी बात हो उसको, इम्पोर्टेंट हो या ना हो, उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि ज़रूरी बात है या नहीं, इसके बाद ही इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, चलो गुड बाय।